हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप ई केवाईसी किस तरीके से कर सकते हो। आपको यहाँ पर SBI अदर सर्विसेज में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है एंड जो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए एंड रेसिडेंट कंसेंट पर आपको यस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद में आप फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे। सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पर FP की कैप्चर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमें एग्री करके सिलेक्ट करके फिर से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमें यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर अब हमें यहाँ पर कस्टमर की फिंगर जो बायोमेट्रिक मशीन है उस पर रखवानी है एंड इसे वेरीफाई करनी है। थोड़ा वेट करने के बाद में हमारे सामने एक नया पॉपअप शो होगा। ये देखिए जो हमारी ई केवाईसी है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। तो गाइस, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।